हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एफएमसीजी का अर्जुन कहोगे आप, एफएमसीजी सेक्टर का। इसको क्यों भाई इतना बड़ा नाम, क्यों इतना बड़ा प्लेयर हम इसको नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं अर्जुन जैसे धनुर्धर की? क्योंकि है इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्टमेंट की? क्योंकि आपने देखा होगा अच्छी क्वालिटी वाले जो बड़े शेयर्स हैं वो ऑलरेडी अपने टॉप पे जा चुके हैं। अब उस टॉप पे जाने के बाद हर कोई उसमें बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए, यार अब तो वे बिल्कुल पीक पे है, थोड़ा सा वेट करें, कुछ करेक्शन आए फिर एंट्री मारेंगे। तो ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी क्या इस अर्जुन शेयर में बनती है, एक नज़र देखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल और स्टॉक के बारे में थोड़ी बारीकियां। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे इस स्टॉक की तरफ। तो ये देखिए आप टेक्निकली अगर इस शेयर को देखोगे, इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, बिल्कुल पीक बनाया अभी रिसेंटली, ऑलमोस्ट 2200 के आसपास का, 2200 का पीक बना के थोड़ा करेक्ट हुआ है। कितना करेक्ट होगा, कहाँ सपोर्ट है, उन बातों पर भी फोकस करेंगे। पहले आप स्टॉक की डिटेल देखिए। FMCG का नाम आते ही हर किसी के जवान पे आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज से नहीं, इंडिया में 80 ईयर से ऑपरेट करता है, कर रहा है, और हर कोई चाहता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। क्यों चाहता है? क्योंकि जबरदस्त रिटर्न देता है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर FMCG का ये है। अगर आप कंपेरिजन करोगे FMCG के अलग अलग सेक्टर्स को और उनके रिटर्न को, FMCG अलग अलग स्टॉक्स को और उनके रिटर्न्स को, तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज भी कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर ये फोर्थ नंबर का सबसे टॉप का प्लेयर है। सबसे टॉप पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, और फिर ये आया आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ऐसी कोई कमी नहीं है शेयर में, ज़बरदस्त क्वालिटी का ये शेयर है। फेस वैल्यू 1 रुपये की, देखिए फिर भी 2000 के पार का शेयर है। अब डेट की बात आती है, डेट ना के बराबर है, रिटर्न रेशियोज की बात आती है, बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात आती है, 14%। एक लार्ज कैप का स्टॉक आपको 14% का प्रॉफिट अगर दिखा रहा है तो मतलब दम है शेयर में। लेकिन फिलहाल अभी रिसेंट जंप के बाद काफ़ी ऊपर चला गया है, कोई भी गिरावट इसमें आपको बढ़िया एंट्री का मौका दे सकती है। सितंबर 2019 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास की सेल्स की फिगर थी और 1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था, बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल अगर आप ईयर बेसिस पर 2009 से लेकर अब तक का इसका रेवेन्यू देखें तो देखिए 20,000 करोड़, 17,000 करोड़, यहाँ से बढ़ता 40,000 करोड़ के पास गया। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखें तो 2500 करोड़ से बढ़ के 6,000 करोड़ तक जा चुका है। धीरे धीरे प्रॉफिट में ग्रोथ है, क्योंकि बहुत पुराना प्लेयर है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना करके 15 से 25% के आसपास की आप टारगेट रखें तो ही बढ़िया है, 15 से 25% ओनली। इससे ज़्यादा आप इसमें एक्सपेक्टेशन ना ही करें तो वह बढ़िया है, क्यों ना करें? क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक है, रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न भी इसमें आपको 15 से 25% ही एक्सपेक्ट करें। और इससे ऊपर की जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो स्पेकुलेशन हो जाएगी, वो कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप कैलकुलेशन की तरफ जाइए, स्पेकुलेशन की तरफ नहीं। अब ये तो आपने देख लिया कि कितना इसका रिटर्न मिल सकता है, अभी आप चार्ट पे देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 3 साल में बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, और जो पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 9.5% का है वो पिछले 3 साल में 14% को पार कर गया है, बहुत ही बढ़िया। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो, लगातार बढ़ते जा रही है, और पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी है, 6 से 7% के बीच में इसका ये सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ होता है। अब एक नज़र आइए आप टेक्निकल को, और ज़रा समझिए, ज़रा बारीकियाँ समझे। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत सारी लाइंस आपको देखने को मिल रही होगी इसमें, सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन एंड ऑल। इससे पहले भी मैं कई बार इसका वीडियोज बना चुका हूँ, तो देखिए इसमें असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली थी, और जो मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग के बाद टारगेट सेट किया था वो अराउंड, देखिए कभी भी होता है जब असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है तो जब इसको क्रॉस किया जाता है तो इसका टारगेट होता है इस क्रॉस से ऑलमोस्ट इतना ऊपर। ये कितना ऊपर है, यहाँ से देखिए आप 1400 की रेंज से ऑलमोस्ट 1400 की रेंज ये होती है जनरली, लेकिन हमारा ये टारगेट कहाँ तक हिट हुआ, ये मान के चलिए 1853 से 2200 के आसपास, मतलब 453 नहीं हुआ लेकिन 400 की रेंज
में इसने 1800 350 तक की रेंज इसने टच करी। तो मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ पे इतना ही लेते हैं जब हम असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन देते हैं, तो मैक्सिमम टारगेट हम इतना ही लेते हैं। कितना टारगेट? 1484 से 1884 के आसपास का ये टारगेट लेते हैं, यानी कि 400 रुपये का, ये नहीं 400 नहीं, 380 390 के आसपास का ये टारगेट हमें हमारा यहाँ पे सेट था। लेकिन इसने हमको पूरा फुल टारगेट नहीं देके थोड़ा सा कम दिया है, 350 के रेंज में ये दिया गया है। आप देख सकते हो 350 से थोड़ा ऊपर ही है, 350 के रेंज, 40-50 रुपये का डिफरेंस जरूर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर की जब बात आती है, इसको कहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी मिलती है? जैसे कि मैंने पहले भी देखा है कि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और भर के रखने वाला शेयर है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इसमें बड़ी जंप आई थी, यानी कि 20 सितंबर की वो जंप थी, आप देख सकते हो कि 20 सितंबर के बाद कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनने लग गया था और कहां ये शेयर चला गया था। लेकिन लगातार गिरावट, नवंबर में सीरीज में लगातार गिरावट से ये 2200 के लेवल से गिरता गिरता अभी 2000 के लेवल पे आया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा और करेक्शन मुझे लगता आएगी, और फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिल सकता है वो ये वाली लाइन, यानी कि अभी भी 100 रुपये नीचे का सपोर्ट आप ध्यान दें, मतलब फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट। उसके बाद सेकंड जो सपोर्ट है वो इस ट्रेंड लाइन का मिल सकता है जो कि 1880 के आसपास है, 1880 के आसपास, जहां तक मुझे लगता है कि जो पुराना रेजिस्टेंस का लाइन था ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो आप अगर इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा सा और करंट लेवल से ऑलमोस्ट 150 रुपये नीचे 1860-1870 के आसपास बढ़िया अपॉर्चुनिटीज में देखने को मिल रही है। और ये लाइन अगर आगे देखोगे आप तो ये जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है वो भी उधर ही इशारा कर रही है, लेकिन करंट लेवल पे भी ये शेयर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बैठा है। तो ये सारी बातें ध्यान की है, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि शेयर कितना गिरेगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन जरूर देख सकता है कि ये सपोर्ट है यहाँ तक गिर सकता है, ये सपोर्ट अगर टूट गया तो और कितना नीचे जा सकता है। तो देखिए पहले तो ये सपोर्ट रेंज पर जरूर है, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा नीचे आके 1930 के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने के चांसेस है। अगर यहाँ से जंप पुल बैक नहीं होता तो ये और नीचे आके इस रेंज में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो मेरे एक और लाइन है वो भी मुझे, ये एक और ट्रेंड लाइन है वो भी इसी तरीके से इशारा कर रही है कि 1930 के आसपास आ सकता है बहुत जल्दी। और उसके बाद हमारे पास 1830 से 60 की जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इसको भी ध्यान दें। ऑल दो मैंने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है पिछले दो पॉइंट को, अक्टूबर की और अभी जुलाई वाली गिरावट को टच करते हुए ये लाइन मुझे यहाँ पे 1700-1750 की रेंज भी दिखा रही है, लेकिन इतने नीचे आए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ कि और कुछ हमें यहाँ पे समझ में आएगा। RSI को देखेंगे वीकली पे, अगर मैं RSI को देखूँ, देखिए स्टॉक बुल जोन है, बियर जोन में तो है ही नहीं, हमेशा ही बुल जोन में रहा है पिछले कुछ टाइम से आप देख सकते हो। तो बुल जोन में आने के बाद हम स्टॉक की RSI का सपोर्ट भी जरूर ध्यान से देखते हैं। तो RSI का सपोर्ट आप देख सकते हो, जैसे अक्टूबर में ये नीचे आया था, उसके बाद फिर से अब आप देखें कि स्टॉक का प्राइस तो ऊपर है लेकिन RSI उसी रेंज की सपोर्ट ले रहा है, देखिए ऑलमोस्ट 45 की रेंज की सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद फिर से जंप किया ऊपर गया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इसमें गिरावट आती है और RSI फिर से 45 की, अभी तो ये ऑलमोस्ट 58 के आसपास के RSI पर है, थोड़ा नीचे आके 45 के RSI का सपोर्ट अगर लेता है तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो बुल जोन में शेयर्स होते हैं उनमें एंट्री जैसे 50 के RSI पे, 40 के RSI पे, 45 के RSI पे, ये बढ़िया मौके होते हैं इनपे एंट्री, जब इन लेवल से शेयर जो है बाउंस बैक कर रहा होता। तो ये हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, बेहतरीन प्रॉफिट वाला FMCG का अर्जुन शेयर है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट आपके साथ रखना चाहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, जैसे मेजर प्रोमोटर यूनिलीवर PLC है, आज का शेयर नहीं, बहुत पुराना शेयर है, ब्रूक बॉन्ड ग्रुप लिमिटेड, यूनिलीवर ओवरसीज होल्डिंग्स, ये सब प्रोमोटर इसके हैं। यही नहीं, इसमें अगर मैं बड़े शेयर होल्डर की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर है, लेकिन बड़ा ये शेयर है तो थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड हाउसेस ने खूब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप अलग से देखोगे, क्योंकि ये तो 1% से ऊपर के शेयर होल्डर है। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस की फंडिंग देखोगे, होल्डिंग देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा इस शेयर का भी मैं आपको डिविडेंड एंड ऑल भी दिखाता हूँ, देखिए डिटेल में म्यूचुअल फंड हाउसेस, देखिए कितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें पैसा लगा रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, इसके डिविडेंड की और बोनस की, बोनस की बात करता हूँ, डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए अगर स्टॉक का मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL का अगर आपको बोनस दिखाऊं तो देखिए टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम बोनस जरूर दिया है, देखिए 4 बार बोनस दिया, लेकिन लास्ट बोनस 1991 में दिया, उसके बाद कोई बोनस नहीं दिया, तो बोनस में फीका पड़ गया रिसेंट टाइम्स में ये।
लेकिन अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो आप डिविडेंड भी एक नज़र देखिए और समझिए इसका डिविडेंड इसने कितना दिया है। अभी रिसेंटली इसने 11 रुपये का डिविडेंड दिया था अक्टूबर में। साल में 2 बार यानी कि हाफ ईयर टाइम पे डिविडेंड देते तो बढ़िया डिविडेंड देता है, एक बार 13 रुपया, एक बार 11 रुपया, तो डिविडेंड वाला भी ये शेयर है। चलिए, ये अपडेट थी यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।